दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ सेल प्रमोशन स्कीम अंडर जीएसटी। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बिजनेस के अंदर सेल को प्रमोट करने के लिए काफ़ी सारे स्कीम चलाए जाते हैं, फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री स्कीम चलाई जाती है, बाय मोर सेव मोर ऑफर्स दिए जाते हैं कस्टमर्स को या सेक्टरी डिस्काउंट दिया जाते हैं। तो जैसे हमने पहले जीएसटी एक्ट में पढ़ा था कि अगर आप कोई भी सप्लाईज के ऊपर जीएसटी पेड नहीं करते हो तो आपके उसके ऊपर जो भी आपने आईटी से लिया है उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। बट इसमें काफ़ी से लोगों को कन्फ्यूजन थी कि हम जो फ्री सैंपल्स देते हैं एक्चुअली है तो बिजनेस का ही पार्ट, तो इसलिए इसको सप्लाई माना जाए और हमें इसका आईटी से मिला जाए, काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन थी। तो अब सीबीआईसी की तरफ से एक नया सर्कुलर निकाला गया जिसमें उसने सभी स्कीम्स के बारे में क्लैरिफिकेशन दे दी है कि किस स्कीम्स के ऊपर आपको जीएसटी मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं उन सभी स्कीम्स के बारे में। जो हमारी सबसे पहली स्कीम्स आती है वो फ्री सैंपल्स या गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जिसके हम अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए या अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए काफ़ी ये स्कीम्स चलाते हैं, फ्री सैंपल्स या गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना, अपने कस्टमर को फ्री में सैंपल्स देते हैं। तो पहले क्या था, एज पर जीएसटी का जो सेक्शन था 17(5) सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन एच, उसमें क्या था कि अगर आप कोई भी गिफ्ट फ्री में देते हो, कोई भी सैंपल आप फ्री में देते हो तो उसके ऊपर आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। बट अब सीबीआईसी की तरफ से एक नया सर्कुलर आया है जिसमें उसने बता दिया है कि फ्री में सैंपल्स या फ्री में गिफ्ट देना भी अब सप्लाई के अंडर ही आता है। क्योंकि अगर आप फ्री में सैंपल्स दे रहे हो या फिर फ्री में गिफ्ट्स दे रहे हो, उससे आपकी जो बिजनेस है उसे ग्रो कर रहा है, आपके बिजनेस की जो सेल है वो ग्रो कर रही है, इसलिए सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा और इसके ऊपर आपने जो भी आईटीसी आपको मिला है उसकी परचेज के ऊपर, उसको मैन्युफैक्चर करने के ऊपर उसको आप ले सकते हैं, उसे आप रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दूसरी हमारी स्कीम आती है बाय वन गेट वन फ्री स्कीम। दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी सारी कंपनीज स्कीम चलाती हैं बाय वन गेट वन फ्री स्कीम। अब इसमें एक कन्फ्यूजन था कि हम एक प्रोडक्ट के जो एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर तो हम जीएसटी पेड कर रहे हैं, बट जो दूसरा प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं फ्री में हम कस्टमर को दे रहे हैं। और फिर वही क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम फ्री में कोई सप्लाईज देते हैं जिस पर जीएसटी पेड नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें आईटीसी रिवर्स करना पड़ता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अभी जीएसटी ने क्लैरिफिकेशन दे दी है, उसने बोला कि अगर आप बाय वन गेट वन फ्री स्कीम के अंदर दो प्रोडक्ट दे रहे हो एक प्रोडक्ट की वैल्यू के बदले, तो इसको यहाँ पे मिक्स सप्लाई माना जाएगा और यह मान लिया जाएगा कि आपने उस दोनों प्रोडक्ट की जो भी वैल्यू है वो आपने रिसीव कर लिया, जो भी उसका कंसिडरेशन है आपने ले लिया है और आपने उसके ऊपर जीएसटी पेड कर दिया है, इसलिए आप जो भी उसके गेस्ट आपने रॉ मटेरियल या फिर उसको परचेज करने पे जो भी आप आईटीसी आपने जीएसटी पेड किया है उसका आप आईटीसी यहाँ पे ले सकते हैं। तो दोस्तों इससे अगली हमारी जो स्कीम्स आती है वो आती है बाय मोर से मोर स्कीम्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि काफी सारी कंपनीज ये स्कीम्स लॉन्च करती है कि अगर आप इतना वॉल्यूम्स हमारा सेल आउट करोगे, इतना वॉल्यूम्स परचेज करोगे तो आपको कुछ परसेंटेज के हिसाब से या कुछ क्वांटम के हिसाब से डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी जीएसटी ने क्लैरिफाई कर दिया, सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है उसके अंदर भी उन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो डिस्काउंट दिया जाता है वो एज पर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे भी आप जो भी आपने आईटीसी लिया है उसको आप लेने के इजिबल हो, यहाँ पे आपको आईटीसी रिवर्स करने की उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो भी आपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए गुड्स उसको दिए हैं, जो भी आपने उसको डिस्काउंट दिया है उसके ऊपर आपने ऑलरेडी जीएसटी पेड कर दिया है। बट यहाँ पे उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे जब बैर को आप क्रेडिट नोट इशू करोगे तो वहां पे बैर आपको डेबिट नोट इशू करेगा, तो वहां पे उसे जो भी उसने आईटीसी उस गुड्स के ऊपर ले लिया है तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि अगर आपने 100 गुड्स उसको सेल की है और आपने उसको 10 रुपीज का जो है डिस्काउंट आपने वहां पे उसे दे दिया है, और 10 रुपए का जो आप उसे क्रेडिट नोट इशू करोगे वहां पे और जो बायर है आपको 10 रुपए का जो डेबिट नोट है वहां पे आपको इशू करेगा, तो वहां पे उसने जो 10 रुपए उसके ऊपर जो उसने आईटीसी लिया था वो वहां पे उसको रिवर्स करना पड़ेगा।
जो इससे अगले हमारी स्कीम आती है सेकेंडरी डिस्काउंट स्कीम। एक्चुअली जो सेकेंडरी डिस्काउंट होता है कि जब आप सप्लाईज कर देते हो उसके बाद आप जो भी आपका कस्टमर है उसको आप ये है डिस्काउंट देते हो कि, और यह डिस्काउंट आप क्रेडिट नोट के थ्रू से देते हो। तो इसके लिए भी आपने जो भी ITC आपने लिए उसके गेस्ट ले लिया है उसको आप उस ITC को आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पे भी ITC आपको रिवर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस केस में भी आपको सेम जो लास्ट हमने स्कीम के बारे में मैंने जैसे आपको बताया बोर बाय मोर से मोर स्कीम्स, उसको भी बायर को आपको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा और उसको ITC रिवर्स करना पड़ेगा। तो सेम केस यहाँ पे भी बायर को जो उसने ITC लिया है जिस डिस्काउंट प्राइस के ऊपर, तो उसको वहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह के अपडेट पाने के लिए। ओके थैंक यू।